हेलो, मेरा नाम तिंशु सिंह है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मैं उस यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ। हेमंत कटारे जो कि विधायक है अटेर से, ये एक रेपिस्ट है। यस, ये एक बहुत बड़ा रेपिस्ट है। इसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। ना जाने उसने कितनी और लड़कियों की स्पॉइल की होगी लाइफ, और अभी जिससे वो शादी कर रहा है उसकी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहा है वो। बट वो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी। वो ऑलरेडी एक शादी कर रहा था, उसके कुछ दिन पहले ही हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी कि ठीक है, उसने मुझे खुद मैसेज किया कि गुड बाय फॉर एवर। तो मैंने भी उसको ठीक है गुड बाय कर दिया, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उस दौरान हमारी बहुत सारी फिज़िकल इंटीमेसी भी हुई है और मैं उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसने उसकी कोई कद्र ही नहीं की। उसने जस्ट मुझे यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए। उसके बाद जब इसका इंगेजमेंट हुआ और मुझे ये बात पता चली कि हाँ वो इंगेजमेंट कर रहा है, तो मैं उसकी लाइफ से अपने बाहर आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसने फिर से मुझे मैसेज किया, इसने मुझसे फिर ज़िद किया कि मैं उससे मिलूँ, उसने मुझे फोर्स किया। दरअसल आजकल ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरी कुछ पिक्चर्स हैं उसके पास, वो वायरल कर देगा। ड्यूरिंग हमारी इंटीमेसी के दौरान हमारी पिक्चर्स इसके पास थी जो इसने ली है, क्योंकि ये मुझे अपने साथ मेरे फ़ोन में तो अपनी फ़ोटोज़ खींचने देता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही शातिर इंसान है। तो इसने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जिसको ये मुझे धमका रहा है कि वो वायरल कर देगा अगर मैंने इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे एक चीज़ बस ये समझ में आ रही है कि मैं इसको किसी और की लाइफ अब स्पॉइल करने नहीं दूंगी। जो इसने मेरे साथ किया है, ना जाने इसने कितनी लड़कियों के साथ किया है, तो आई जस्ट अपील कि वो सारी लड़कियाँ सामने आए और इसका जो घिनौना चेहरा है, ये एक रेपिस्ट है, ये एक ऐसा रेपिस्ट है जो कि लड़कियों को यूज़ करता है अपने फायदे के लिए, अपने फ़न के लिए, और बस ही जस्ट यूज देम एंड थ्रो। ये पावर में है, सिंधिया का इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो ये सोच रहा है कि जो चाहे वो करेगा। मेरे पास इसके वो ऑडियोज़ हैं जब ये मेरे साथ था, तो इसने मुझसे जो जो बातें की है, लाइक प्यार व्यार, वो सारी चीज़ें हैं। इसने मुझे आई कैन टेल यू उसने क्या क्या किया है मेरे साथ, वो सब मैं विद प्रूफ दूँगी। जब जब ये मुझसे भोपाल में मिला है, उसकी वीडियोस हैं मेरे पास, इसकी वो ऑडियो है जब ये मेरे साथ में था, मेरे पास मानसरोवर की फुटेजेस है, मेरे पास मैरियट की फुटेजेस है, मेरे पास इसके पूरे चैट्स पड़े हैं जिसमें इसने मुझे फोर्स किया है कि मैं उसको अपनी फ़ोटोज़ भेजूँ, इसको अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ भेजूँ। और जब मैं इसे नहीं भेजती थी तो ये मुझे मुझसे गुस्सा होता था, मुझे धमकाता था। अब कहीं ना कहीं इससे प्यार तो मैं करती थी, तो जस्ट उससे मजबूर होकर मैंने उसको अपनी कुछ फुटेजेस भेजी और फ़ोटोज़ भेजी, और ये अब मुझे उन फ़ोटोज से धमका रहा है कि ये जो चाहेगा वो कर सकता है उसके साथ। अगर मैंने उसकी लाइफ में अभी जो शादी वो करने वाला है, अगर उस ड्यूरिंग मैंने उसको कुछ भी परेशान किया तो, बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मेरा तो अभी मन हो रहा है कि आई जस्ट सुसाइड, बट फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे कुछ हो